हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा, मैं आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ कि इवेंट्स क्या होते हैं, किसी भी वेबसाइट के इवेंट्स कौन कौन से होते हैं और आप किस तरह उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो मेरी जो साइट है buyerapp.pk के नाम से, मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन कौन से इसके इवेंट ट्रैक करने जा रहा हूँ और हम किस तरह इसको लेके चलेंगे। तो क्योंकि ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो ई कॉमर्स में क्या होता है कि यूजर आता है, वो क्या करता है, सबसे पहले कोई प्रोडक्ट व्यू करता है, व्यू करके उसको अपने कार्ट में ऐड करता है। कार्ट में ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, वो अपना इनिशिएट चेकआउट करता है। इनिशिएट चेकआउट करने के बाद उससे पहले वो क्या कर सकता है, अपना वो कार्ट को व्यू भी कर सकता है या प्रोडक्ट कार्ट से रिमूव भी कर सकता है। तो हम इनके भी इवेंट्स ट्रैक करेंगे। तो सबसे पहले हम इवेंट्स कौन सा ट्रैक करेंगे, हम ट्रैक करेंगे कि आप किस तरह यूजर आता है उसको व्यू कार्ट करता है उसको ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आप किस तरह जब ऐड टू कार्ट करता है उसको ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद वो व्यू कार्ट करता है उसको ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद जब वो कार्ट से कोई चीज रिमूव करता है उसको ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद इनिशियल चेकआउट करता है उसको ट्रैक कर सकते हैं, और जो उसकी पेमेंट ऐड कर सकता है वो उसको ट्रैक कर सकते हैं। और उसके बाद हम परचेज को किस तरह ट्रैक कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर वो विश लिस्ट में अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करता है तो उसको भी ट्रैक करेंगे हम। तो ये ओवरऑल मैं गाइड करूंगा कि आप इन सब इवेंट्स को किस तरह GTM के थ्रू ट्रैक करेंगे। आपको इवेंट का तो पता चल गया, फर्दर मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सपोज कोई यूजर, मैं एक यूजर हूँ, मैं वेबसाइट पे आया, मैंने क्या किया, मैंने ये प्रोडक्ट पे क्लिक किया, ये जो प्रोडक्ट शो हो रही है अगर मैं इस पे क्लिक किया मैंने, तो ये एक इवेंट ट्रिगर हुआ। इवेंट कैसे ट्रिगर हुआ कि मैंने क्लिक किया प्रोडक्ट पे और प्रोडक्ट को ये व्यू कर रहा हूँ, ये एक इवेंट ट्रिगर हो गया व्यू आइटम का, बेसिकली व्यू आइटम का ये ट्रिगर इवेंट होता है। तो उसके बाद मैं जाके क्या करता हूँ, मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ। मैं यूजर हूँ, मैं ऐड टू कार्ट किया मैंने, तो ये मेरे कार्ट में प्रोडक्ट ऐड होगी। ठीक है, ऐड टू कार्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि सपोज मैं अपने कार्ट को व्यू करता हूँ, ये व्यू कार्ट वाले बटन पे क्लिक करके, तो ये एक सेपरेट इवेंट ट्रिगर होगा कि यूजर ने क्या किया है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया है। अगर मैं इसको मतलब ये पहले दो प्रोडक्ट्स ऐड करता हूँ, ठीक है, मतलब इसके अलावा भी अगर मैं दो तरह की प्रोडक्ट ऐड करता हूँ अपने कार्ट में, अभी एक है तो मैं ये वाली प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ अपने कार्ट में, जो एसर का चार्जर है लैपटॉप का। तो हम ऐड टू कार्ट करेंगे इस पे क्लिक। ठीक है, ऐड टू कार्ट पे दो प्रोडक्ट मैंने ऐड कर ली कार्ट में। उसके बाद मैं व्यू कार्ट पे क्लिक करूंगा, तो जब यूजर ने दो प्रोडक्ट्स ऐड कर ली और उसके बाद वो कहता है कि मुझे एक प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ये वाली कार्ट से रिमूव कर दी, तो इसका भी इवेंट होता है, इसको भी ट्रिगर करेंगे हम। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो प्रोसीड टू चेकआउट पे जाएगा कि चेकआउट पे किस तरह वो अपनी डिटेल्स ऐड करके ये सारी, ताकि वो COD पे या बैंक ट्रांसफर के थ्रू वो अपने पेमेंट ट्रांसफर करके इस पे इसको जो एग्रीमेंट पॉलिसी को चेक करके ऑर्डर प्लेस करे, तो वो नेविगेट हो जाएगा हमारे थैंक यू का पेज, जो ऑर्डर कम्प्लीशन का पेज होता है उस पे। तो ये भी एक सेपरेट इवेंट होगा, हर पेज का एक सेपरेट इवेंट होगा। तो ये कुछ हम अपनी सीरीज में ये सब कुछ ट्रैक करेंगे। आई होप ये आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।